प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करें। आपको तीन प्रश्न दी गई है, इनमें से एक में आश्रित जल, एक में अम्लीय और एक में क्षारीय जल है। आपको लाल लिटमस पत्र दिया गया है, आप किस प्रकार से इनकी पहचान करेंगे? लाल लिटमस को प्रत्येक प्रश्नली में डालेंगे, जो विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षारीय विलयन होगा। विलयन में से डालने से प्राप्त नीले लिटमस पत्र को शेष दो प्रश्नली में डालने पर जिस प्रश्नली में नीला लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसमें आश्रित जल होगा, तथा जो लाल नीले लिटमस को लाल कर देता है वो अम्लीय प्रकृति का होगा। पीतल या तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं डालने चाहिए? दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है, तथा जब उन्हें पीतल और तांबे के बर्तन में डालते हैं तो वे पदार्थ बर्तन से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप खट्टे पदार्थ में से गंध आने लगती है जो खाने के योग्य नहीं होती रहते, अतः पीतल तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ में दही नहीं डालना चाहिए। धातु के साथ अम्ल के अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है और इसकी उपस्थिति कैसे जांच करेंगे? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब हम हाइड्रोजन गैस के जार के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं तो वह पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। कोई धातु यौगिक के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदार उत्पन्न करते हैं और उसमें उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो अभिक्रिया को पूरा संतुलित समीकरण लिखिए। धातु यौगिक ए कैल्शियम कार्बोनेट है, उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 5, HCl HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अम्लीय विलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयन में अम्लीयता के लक्षण नहीं मिलते ना। HCl और HNO3 जलीय विलयन में घुलकर एच आयन उत्पन्न करते हैं, इसलिए वे पदार्थ अम्लीय प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जलीय विलयन में OH आयन बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, अर्थात ये एच आयन नहीं बनाते, इसलिए ये पदार्थ अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। 6, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल के जलीय विलयन में एच आयन उपस्थित होते हैं, ये एच आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर एच आयन या हाइड्रोनियम आयन H3 को प्रदान करते हैं, ये आयन विलयन में विद्युत चालन करते हैं। शुष्क गैस HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस से एच आयन उत्पन्न नहीं होते, अलग नहीं होते, नहीं किया जा सकता। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस से एच आयन को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि एच आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, अम्ल सिर्फ जल के अणुओं के साथ मिलकर एच आयन देते हैं, इसलिए शुष्क HCl गैस अम्लीय गुणों को नहीं दर्शाती, अतः यदि